एक पॉट निकल कर तो यहाँ पे क्या क्या होता है? यहाँ पर जड़ी बूटी उगाई जाती है। तो गाइस यहाँ पे जितनी भी जड़ी बूटी आती है वो लगभग उगाई जाती है, वो यहाँ पे उगाई जाती है और यहाँ से आगे सप्लाई होती है। और ये सामने देख रहे हो जी, नेट लगी हुई ना पूरी, ये है बॉटनिकल गार्डन, यहाँ पे सारी की सारी जड़ी बूटियाँ ही उगाई जाती है। नैनीताल के जैसे ही, नैनीताल जो नेचुरल लेक है और ये है आर्टिफिशियल लेक, तो इन लोगों को ये बाउंड्री बना के इन लोगों ने खुद के लिए एक आर्टिफिशियल लेक बनाई है जिसका नाम है सरिता ताल। तो अभी हम नीचे जाएंगे और आपको नीचे से दिखाएंगे। तो ये है नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ, खड़ी सीढ़ियाँ हैं और थोड़ा सावधानी से उतरना पड़ेगा, क्या पता गिर गुरा गए। तो गाइस ये है सरिता ताल जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है जिसका नाम सरिता ताल है। इसमें सिर्फ पानी आता है जो बर्फ़ का, जो स्नो जम जाती है, बर्फ़ जम जाती है ऊपर पहाड़ों पे, वो पिघल के वहाँ से सामने से जो दिख रहा है नाला टाइप बनाया उससे आता है, और या फिर बरसात के टाइम में आता है। अभी फ़िलहाल तो पानी बहुत कम है, मेन जब इसमें पानी रहता है वो रहता है जब बरसात के टाइम में, बहुत ये पूरा भर जाता है। और फिर ये सामने देख रहे एडवेंचर करने के लिए कुछ ये लगा रखे बैलून, इसके अंदर उतरते हैं लोग और उसमें एडवेंचर करते हैं, एक ये है एक उधर है। तो ये है सरिता ताल का व्यू, एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो गाइस देख रहे कि पानी कितना शानदार है यार, एकदम प्योर वाइट, नीचे मतलब जो इसका मेन सरफेस है वो तक दिखाई दे रहा है, वरना बाकी नॉर्मल, क्योंकि यहाँ बरसात और ही नेचुरल पानी ही यहाँ पे स्टोर होता है, इसीलिए इसका एकदम क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर पानी है यहाँ का। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि इसका पानी जो आर्टिफिशियल है, क्योंकि ये लेक सिर्फ बनाई गई है पहले से ही नहीं, इसको पानी को स्टोर करने के लिए इसके चारों तरफ बाउंड्री कर दी गई है। तो इसमें पानी कहाँ से आता है मैंने बताया था, जैसा कि बरसात और जो स्नो पिघलती है वहाँ का पानी होता है। तो ये जो ऊपर जितने भी पहाड़ देख रहे हैं आप, ये सारे पहाड़, इस पर जब स्नो पड़ती है तो पूरा बर्फ़ जम जाती है, उसी बर्फ़ के पानी को ये लोग यहाँ से नाला बना रखे, एक नाले टाइप का, तो यहाँ से पानी निकल होते हुए ये इसके नीचे से होते हुए तो ये इस जगह स्टोर होता है। तो ये देख रहे हो पूरा एकदम नेचुरल पानी है, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाइट आप देख रहे हो इसके, मतलब आपको मैंने आपको पहले दिखाया कि सरफेस तक आपको दिखाई दे रहा था, मतलब इसमें बिल्कुल भी गंदा पानी नहीं, एकदम प्योर पानी है जो पहाड़ों का, एकदम नेचुरल। ऐसा हमारा सरिता ताल का व्यू आपको जो कि आपको मैंने वीडियो में दिखा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की ओर। लोग आ चुके हैं वापस गाड़ी में, अब चलते हैं लोग नेक्स्ट लोकेशन की ओर। तो भैया नेक्स्ट लोकेशन कौन सी होने वाली है? तो नेक्स्ट जो है भैया बता रहे हैं वाटरफॉल लेके आगे, तो वो दिखाएंगे हमको, उसके बाद सीधा घाट गोदाम पहुँचेंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाटरफॉल पे। हम लोग पहुँच चुके हैं वुडलैंड वाटरफॉल, अब हम लोग चलते हैं। भैया ने बताया जैसा कि यहाँ पे 50 रुपये की एक टिकट आप लगती है, तो हम वो टिकट लेते हैं फिर चलते हैं सीधा वाटरफॉल के। तो बस ये है 50-50 रुपये की दो टिकट सीधा वाटरफॉल की ओर। यहाँ से आपको एक टिकट लेनी पड़ेगी 50 रुपये की, 50 रुपये पर पर्सन है, और ये गेट का एंट्री गेट है। और अब हम चलते हैं सीधा वाटरफॉल की तरफ, सीधा चलते हैं। तो आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ, यहाँ से चढ़ना होता है। ये है हमारा वाटरफॉल, अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे, और ऊपर चल के आपको ऊपर से व्यू दिखाएंगे पूरा, और आपको और अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। ये सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ तकरीबन 100 से 150 सीढ़ियाँ होगी यहाँ पे चढ़ने के लिए, तो हालत ख़राब हो रही है हमारी सीढ़ियाँ चढ़ने में। ये देख रहे हो इस टाइप की ये सीढ़ियाँ हैं जिगजैग में बनी हुई, तो हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं ऊपर। गाइस ये होता है जब कोई एक्सीडेंट होता है तो बस ऐसे लटक जाती है, शायद किसी टाइम में ये बस का एक्सीडेंट हुआ होगा, तो ऊपर से लुढ़कते हुए ये गाड़ी यहाँ आके अटक गई है, क्योंकि यहाँ सब निकालना तो पॉसिबल है नहीं। तो जब से इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तब से ये गाड़ी यहीं है। तो प्लीज़ जो कोई भी यहाँ नैनीताल या पहाड़ों में घूमने आए तो सेफली और धीरे धीरे गाड़ी को चलाना, क्योंकि नहीं तो देख सकते हो गाइस ऐसी हालत हो जाएगी गाड़ी की। गाइस
ये है वाटरफॉल का टॉप पॉइंट जहाँ तक हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से आपको व्यू दिखाएंगे। ये है हमारा वाटरफॉल का छोटा सा, तो यहाँ से सूरज का दिखता व्यू, यहाँ से पानी नीचे जाता है देख सकते हैं। ये है यहाँ से स्लोली स्लोली पानी नीचे जाता है पूरा वाटरफॉल का और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। मेरे नीचे थोड़ा सा पानी सूखा है तो इसलिए मैं यहाँ बैठ चुका हूँ और यहाँ से एकदम बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है। जूते गीले हो जाएंगे आप लोगों के लिए, तो भी कोई बात नहीं। ये है यहाँ से प्यारा सा व्यू देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे कपड़े गीले हो रहे हैं, मैं ज़्यादातर यहाँ देख नहीं सकता, वापस निकल रहा है यहाँ से बाहर। बच जाए ये था हमारा झरना। अब सीधे चलेंगे हम लोग गाड़ी की और फिर गाड़ी से नेक्स्ट लोकेशन पे चलेंगे काठगोदाम, और वहाँ पर थोड़ा अगर टाइम मिला तो स्टे करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे वहाँ चल के आगे डिसाइड करेंगे नेपाल की और कौन सा रास्ता जाता है, तो उस नेक्स्ट टारगेट फिक्स करेंगे, फिर हम लोग हाइकिंग करते हुए नेक्स्ट टारगेट की तरफ पहुँचेंगे। नीचे की तरफ जा रहा था तो रास्ते मुझे एक प्यारा सा पॉन्ड दिखा, छोटा सा आर्टिफिशियल, और उसमें इन लोगों ने कुछ मछलियाँ रख रखी है। गाइस आपको देख रही होगी छोटी छोटी, वो अंदर छुप रही है, कैमरे को देख के ये आई। एक और एक प्यारी सी रेड कलर की मछली थी, वो तो अंदर ही छुप गई, बाहर ही नहीं आ रही।